नमस्कार दोस्तों, कार कौन हिंदी चैनल की डेली ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है उसकी शुरुआत कर लेते हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एक बड़ी खबर से, जो कि आ रही है ऑल्टो KTN के लिए। दोस्तों, फाइनली दोस्तों ऑल्टो KTN को अब बंद नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑल्टो 800 और ऑल्टो KTN को बंद करने की अटकलें चल रही थी, जिसमें ऑल्टो 800 का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया कंपनी ने, और जो मौजूदा ऑल्टो KTN है इसको दोस्तों सेफ्टी रूल रेगुलेशन के हिसाब से अब इसको अपग्रेड कर दिया है कंपनी ने, यानी कि इसमें सारे सेफ्टी फीचर अब एज ए स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। हालांकि दोस्तों मुझे ये न्यूज़ दो दिन पहले ही पता चल गई थी कि ऑल्टो KTN को अपग्रेड किया जाएगा, ना कि बंद किया जाएगा। तो कंफर्म होने के बाद दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल्टो KTN में आपको सारे सेफ्टी फीचर एज ए स्टैंडर्ड मिलेंगे और शोरूम पर यह कार 14 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर दोस्तों ये थोड़ा लेट भी हो सकता है, यानी कि एक वीक के अंदर आपको ये कार शोरूम पर देखने को मिलेगी। अगर आप दोस्तों ऑल्टो KTN को खरीदने का मन बना रहे थे और सेफ्टी फीचर के वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको इसमें सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको प्राइस का भी इसका बता देता हूँ कि आपको जो बेस्ट वेरियंट है वो करीब 16,000 रुपये महंगा पड़ेगा, और इसका जो टॉप वेरियंट है वो आपको करीब 27,000 रुपये महंगा पड़ सकता है। तो ये जो खबर आ रही थी दोस्तों वो आई थी मारुति सुजुकी की ऑल्टो KTN के लिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है महिंद्रा की तरफ। तो महिंद्रा अपनी कुछ कारों में काफ़ी सारा डिस्काउंट दे रहा है, जैसे कि स्कॉर्पियो, बुलेरो और जो KUV100 आती है, इस पर आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिला है। तो अगर आप इन कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप जाके डीलर पर पता कीजिए, इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट कंपनी अवेलेबल करा रही है। तो ये खबर जो आ रही थी वो महिंद्रा की कारों के लिए आ रही थी, महिंद्रा की कुछ SUV के लिए आ रही थी जिन पर आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलेगा। और अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है टाटा की तरफ से। तो टाटा अपनी सूमो और बोल्ट को अब डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। फाइनली टाटा ने अब ये बता दिया है कि हम इसको डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं, और सेफ्टी रूल रेगुलेशन और BS6 इंजन के हिसाब से अगर इसको अपग्रेड किया जाए तो इसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था। साथ साथ दोस्तों इन गाड़ियों की जो सेल्स है वो भी काफ़ी कम हो रही थी। तो ये जो न्यूज़ आ रही थी दोस्तों वो टाटा की सूमो और बोल्ट के लिए आ रही थी। साथ साथ दोस्तों टाटा की जो सफारी है इसके लिए अभी कंपनी ने कुछ नहीं कहा है, मतलब कि इसको बंद नहीं करेगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और इसका कुछ अपग्रेड वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये खबर भी दोस्तों टाटा की सफारी के लिए आ रही थी। और जो नेक्स्ट खबर है दोस्तों वो आ रही टाटा की टिगोर के लिए। तो जो टाटा की टिगोर है दोस्तों इसकी फाइनली जो टेस्टिंग थी वो काफ़ी दिनों से चल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन टिगोर आने वाली थी तो इसकी जो टेस्टिंग है वो अब खत्म हो चुकी। तो टिगोर को दोस्तों अब BS6 इंजन दिया जाएगा, और जो BS6 इंजन है इसकी टेस्टिंग खत्म हो गई है, मतलब आने वाले समय में आपको टिगोर का एक फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसमें गाड़ी में कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे, यानी कि इसके लुक में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। साथ साथ आपको अब इसमें BS6 इंजन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो ये जो खबर आ रही थी दोस्तों वो आ रही थी टाटा मोटर की तरफ से। और अगली न्यूज आ रही है दोस्तों वो आ रही है रेंज रोवर ईवोक की क्रैश टेस्टिंग के बारे में। तो यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में रेंज रोवर ईवोक को 5-स्टार रेटिंग मिली। और हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेंज रोवर ईवोक की जो असेंबलिंग है वो अब इंडिया में ही की जाएगी, और इसकी जो कॉस्टिंग है करीब 16 लाख रुपये घट जाएगी, इंडिया में इसकी असेंबलिंग की जाएगी। तो ये जो खबर आ रही थी रेंज रोवर ईवोक की क्रैश टेस्टिंग की यूरो NCAP रेटिंग के बारे में आ रही थी। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो आ रही है फोर्स मोटर की तरफ से। तो फोर्स की जो गोरखा आती है उसमें अब आपको ABS मिलने लग जाएगा। कंपनी ने आज इसका ABS वाला वेरिएंट इंडियन मार्केट में उतार दिया, और इसकी जो प्राइस रखी है करीब 11,05,000 के करीब रखी है। तो गोरखा में आपको अब ABS मिलेगा, साथ साथ दोस्तों और भी सेफ्टी फीचर आपको इसमें मिलने लग जाएंगे। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो आ रही है हुंडई की तरफ से आने वाली SUV वेन्यू के लिए। तो जो इसका डैशबोर्ड है दोस्तों इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलेगा। तो इसकी दोस्तों जो पिक्चर है कुछ सामने आई है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि डुअल टोन डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। तो ये जो खबर आ रही थी वो हुंडई की अपकमिंग सब 4 मीटर SUV वेन्यू के लिए आ रही थी। और अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो भी महिंद्रा की तरफ से आ रही है। तो महिंद्रा की जो KUV100 आती है इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन महिंद्रा जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, और कंपनी ने ऐसा बताया है कि इसको फेस्टिव सीजन में हम लॉन्च करेंगे। तो महिंद्रा KUV100 का आपको एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी अब आने वाले समय में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये जो खबर आ रही है तो वो KUV100 के लिए महिंद्रा की तरफ से आ रही थी। अगली जो खबर है दोस्तों वो आ रही है मिनी की तरफ से। तो मिनी अपनी जॉन कूपर को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, और कंपनी ने ऐसा बताया है कि हम इसको 7 मई को इंडियन मार्केट में उतारेंगे। तो ये जो खबर है दोस्तों वो आ रही थी मिनी कूपर के लिए। और अगली जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है पोर्से की तरफ से। तो पोर्से ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन 911 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, और इसकी जो प्राइस रखी है वो 1,82,00,000 रुपये रखी है। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको जल्दी इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इंडियन मार्केट में दिखाई देगा, और फाइनली इसको आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो खबर आ रही थी वो पोर्से की तरफ से 911 के लिए आ रही थी।
और कार के बाद दोस्तों अंत में बात करते हैं कुछ बाइक से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो बजाज की तरफ से आ रही है। तो बजाज ने आज दोस्तों ये बताया है कि हमने अपनी पल्सर सीरीज की जितनी भी बाइक है उनको ABS में अपग्रेड कर दिया है। यानी कि दोस्तों जो पल्सर सीरीज की जितनी भी बाइक आती है अब उनमें आपको ABS मिलेगा। तो ये जो खबर आ रही थी वो बजाज की तरफ से आ रही थी। अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वाली TVS की तरफ से। TVS की जो स्कूटी है उसको इंडियन मार्केट में 25 साल कंप्लीट हो गए हैं ऐसा TVS ने बताया है। और 25 साल पूरे होने पर कंपनी ने इसके दो वेरिएंट मार्केट में उतारे हैं। यानी कि ये गाड़ी पूरी वही है बस इसमें आपको ग्राफिक्स थोड़े से अलग मिलेंगे देखने को। तो ये जो खबर आ रही थी वो TVS की स्कूटी के लिए आ रही थी। और आज की दोस्तों जो आखिरी न्यूज आ रही है वो आ रही है एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट की तरफ से। तो रिवोल्ट जल्द ही इंडियन मार्केट में एक अपनी बाइक को लॉन्च करने वाला है और कंपनी ने दोस्तों आज इसका एक स्क्रेच भी दिखाया है। और जो लॉन्चिंग के बारे में इन्होंने बताया कि हम जुलाई में इसको लॉन्च करेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज बता दिया है कंपनी ने कि जुलाई में हम अपनी इंडिया में पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और इसको एक बार चार्ज करने पर आप इसको 200 किलोमीटर तक चलाएंगे। तो आने वाले समय में दोस्तों आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी और जल्दी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी। तो ये थी दोस्तों ऑटोमोबाइल जगत की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए। धन्यवाद।